तो कपिल मिश्रा के खुलासे के करीब करीब 24 घंटे बाद अरविंद केजरीवाल नजर आए, लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने सवाल करने की कोशिश की तो वो बचकर निकल गए, भाग गए। मनीष सिसोदिया भी चुप्पी साधे हुए हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीर है जहां से वो मौलाना आजाद कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जब निकल रहे थे तो पत्रकारों की भीड़ उनके घर के बाहर मौजूद थी और केजरीवाल से बात करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार। कपिल मिश्रा के जो आरोप हैं उस पर जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम सवालों तमाम मीडिया कर्मियों को नजरअंदाज करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने घर से अपने काफिले के साथ निकल गए। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। कल सिर्फ 10 सेकंड में उन्होंने अपनी बात रख दी थी कपिल मिश्रा को लेकर और निकल गए थे। निवृत्ति मोहन मेरी सहयोगी जुड़ी हैं, जो मनीष सिसोदिया से जिन्होंने बात करने की कोशिश की, आखिर क्यों मनीष सिसोदिया भागते हुए नजर आए? निवृत्ति तो बिल्कुल विद्या, जिस तरीके से वो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोटी सी बात कह करके निकल गए थे उसी तरीके से आज भी उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। हमने उनसे कहा कि जिस तरीके का जवाब उनकी तरफ से है, उनकी पार्टी की तरफ से आया है, एक तो सबसे पहले जवाब देना जो बनता था वो जैन या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से देना बनता था, लेकिन फिर भी आप बाहर आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेप में अपनी बात रखी। तो उन्होंने हमसे आज जब हमने उनसे ये पूछा कि कल आपने जो बात रखी वो काफी नहीं थी, तो उन्होंने हमसे जवाब में सिर्फ इतना कहा कि सच्चाई जो होती है वो छोटी होती है और अगर हमें समझ में नहीं आती तो वो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का जवाब उनकी तरफ से हम दिया जाता है जो कि बहुत ही अगर हम कहेंगे इरेस्पॉन्सिबल जवाब है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी। अच्छा निवृत्ति, एक छोटी सी जानकारी और दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल को मौलाना आजाद कॉलेज पहुंचना था, क्या वो पहुंच गए हैं या कहां हैं, कोई जानकारी मिली है क्या आप लोगों को? विद्यानाथ, जिस तरह की जानकारी हमारे पास थी उसमें उन्हें करीब करीब 9 बजे तक का समय दिया गया था, सुबह 9 बजे का, कि उन्हें यहाँ पर आना था, श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। लेकिन जिस तरीके से कल भी मनीष सिसोदिया उनके घर के बाहर आते हैं उनकी जगह पे, लेकिन आज भी ऐसा ही लग रहा है कि आज भी उनके मनीष सिसोदिया आए हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आज भी बचते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल अपने घर के बाहर मीडिया कर्मियों से पत्रकारों से। बहुत बहुत शुक्रिया निवृत्ति मोहन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखना यह है कि क्या मौलाना आजाद कॉलेज जहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था वो पहुंचते हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही पहुंचते हैं, तय वक्त पर तो नहीं पहुंचे हैं लेकिन जो कार्यक्रम है उसमें वो हिस्सा लेते हैं। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर यह बात पता चल चुकी है कि जैसे ही वो घर से निकले हैं वहां पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर भी पत्रकार जरूर मौजूद होंगे और उनसे सवाल जवाब भी जरूर किए जाएंगे।